जेके बैंक एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करें जे एंड के बैंक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको अनलिमिटेड टॉपिक वाइज एंड फुल ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज पे करने होंगे, और इस 999 रुपीज में आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स प्लस प्रीवियस पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एसएसवी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन 4 टाइप की होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। फ्रेंड्स, 4 टाइप की डायरेक्शन होती है और 4 इनकी आगे सब डायरेक्शन होती है, जिनका नाम है, ये होगी नॉर्थ और वेस्ट के बीच है, तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट, सेम नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। फ्रेंड्स, अगर लेफ्ट राइट देखा जाए तो नॉर्थ, अगर कोई पर्सन नॉर्थ में देख रहा हो तो इसका लेफ्ट होगा राइट, ये सेम लेफ्ट राइट, फ्रेंड्स अगर कोई पर्सन मूव करेगा राइट साइड, राइट साइड यानी कि मूव राइट होगा तो वह चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मूव करेगा लेफ्ट तो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स, इसमें एक कंसेप्ट रहता है पैथागोरस थ्योरम का, यानी कि कोई भी राइट ट्राइंगल होगी, लेट कर लेते हैं ये पॉइंट ए है, बी है और ये सी है, इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज है आपका एसी, एसी का स्केयर जहां से बनेगा बेस का स्केयर बीसी, बीसी का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर एबी का स्केयर। तो फ्रेंड्स, अगर यहां से हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो एसी बन जाएगा आपका बीसी का स्केयर प्लस एबी का स्केयर और इसका अंडर रूट बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं टाइप फर्स्ट पे। फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि राम वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, He turns right and walk 10 किलोमीटर, after again turn right and walk 10 किलोमीटर, finally he turn left and walk 10 किलोमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन विच डायरेक्शन ही वॉज नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वह कौन सी दिशा में है, इन विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग नाउ, अभी वह कौन सी दिशा में देख रहा है, वट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जिस पोजीशन पे वह अभी पहुंचा है वहां तक कितना डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, राम वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, राम नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होगी इस साइड, तो फ्रेंड्स 10 किलोमीटर, ही टर्न्स राइट, फिर वह राइट टर्न होता है, राइट उसका इस तरफ होगा। फ्रेंड्स, मान लो ये जा रहा है वो नॉर्थ की तरफ, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट इस तरफ होगा, ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ने के बाद वो 10 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि अगर आप 10 किलोमीटर इतना ले रहे हो तो 10 इतना ही होना चाहिए। फिर अब वो ईस्ट में जा रहा है तो राइट होगा नीचे, लेफ्ट होगा ऊपर। फ्रेंड्स, आफ्टर अगेन टर्न राइट, दोबारा राइट टर्न होता है और बाक 10 किलोमीटर, यानी कि बिल्कुल इसके सामने पहुंच जाता है 10 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अब नीचे आ रहा है
तो ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ। नेक्स्ट बोला है फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब वह लेफ्ट टर्न होता है तो लेफ्ट इस तरफ है और जाता है 10 किलोमीटर और ये बन जाता है उसका एंड पॉइंट। फ्रेंड्स फर्स्ट में पूछा है इन विच डायरेक्शन ही वॉज नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है उसका एंड पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी दिशा, अगर फ्रेंड पता ना चले तो स्टार्टिंग पॉइंट से डॉटेड में डायरेक्शन ड्रा कर लो। ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग पॉइंट से ये दिशा है ईस्ट की, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वह कौन सी दिशा में है, तो राइट आंसर होगा ईस्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग नाउ, अभी वह कौन सी दिशा में देख रहा है, तो अभी कौन सी दिशा में देख रहा है फ्रेंड्स, ईस्ट में जा रहा है यानी कि ईस्ट में ही देख रहा होगा, तो राइट आंसर होगा ईस्ट। फ्रेंड्स लास्ट में पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट तक कितना कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितना है। फ्रेंड्स जहां से सामने दिख रहा है जहां से लेकर यहां तक 10 किलोमीटर बन गया, अब बचा हुआ ये डिस्टेंस। फ्रेंड्स अगर ये 10 है ये भी 10 है, ये डिस्टेंस 10 है 10 किलोमीटर है, यानी जितना ये डिस्टेंस होगा इतना ही ये वाला डिस्टेंस भी होगा, ये भी 10 हुआ, 10 ये है 10 ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट आपका ये है, तो 10 प्लस 10 हो गया 20, तो राइट आंसर होगा 20 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये था हमारा आज का डेमो लेक्चर और अगर आप फुल फ्लेज वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स, और ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं बल्कि नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जस्ट इन 999 रुपीज़। सो गाइज अगर आप रियलिटी में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हर ही अब जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। थैंक यू, बाय।